हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ग्रूम गर्ल्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्किन प्रॉब्लम पर। स्किन प्रॉब्लम हमें बहुत सारी होती है, पिंपल, एक्ने, ब्लैक हेड, वाइट हेड, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमें। सो हमें इस पर डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ मैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक मेरे साथ बने रहना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पिंपल कैसे होता है, सभी को पता ही होगा कि हमारी स्किन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं और एनवायरनमेंट में अभी के टाइम पे तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि हम दिन भर बाहर रहते हैं, वो पॉल्यूशन, वो डस्ट हमारे फेस पर जम जाती है और फेस पर स्किन में इतनी सारी लेयर्स होती हैं। उन्हीं लेयर्स में एक लेयर होती है सेबेशियस ग्लैंड, उसमें डस्ट जमता है और डस्ट जमने से वहाँ पर सीबम बनने लगते हैं और सीबम बनते हैं तो पिंपल्स हो जाते हैं हमें। तो पिंपल्स कैसे होते हैं ये तो हमने पता कर लिया, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि वो मेकअप करके अपने पिंपल्स को हाइड कर लेंगे, लेकिन मेकअप करने से दाग धब्बे हाइड हो सकते हैं पर पिंपल्स तो हाइड नहीं होते। करके देख लीजिए, नहीं होगा। सो पिंपल से तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से पिंपल हाइड नहीं होते, पर पिंपल हाइड तो नहीं होंगे, पिंपल की हम केयर कर सकते हैं जिससे पिंपल्स चले जाए। तो अगर स्किन्स में जो टाइप्स के ऑर्गन वेस्ट निकालते हैं हमारी बॉडी से, एक तो किडनी निकालता है, यूरिन के थ्रू वेस्ट निकाल देता है किडनी, और स्किन निकालता है स्वेट के थ्रू स्किन, क्या करना चाहिए कि पिंपल ना आए और एक्ने ना हो। नो मेकअप लुक रूटीन में हमें क्या करना है कि हमें अपने फेस पर बिल्कुल भी मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना है। हमें नॉर्मली फेस वॉश कर लेना है, टोनर यूज़ करना है और अपना मॉइस्चराइज़र, देन हमें कोई भी सनस्क्रीन, देन लिप बॉम, इतना इनफ है हमारी स्किन के लिए। हमें मेकअप के लिए सिर्फ इतने ही इंग्रेडिएंट का यूज़ करना है। अगर किसी का प्रोफेशन है कि वो बाहर जाएगा और उन्हें मेकअप लगाना मस्ट ही है, जैसे कि केबिन क्रू, पायलट, ऑफिसर वगैरह, ऑफिस वर्क के लिए, सो उनके लिए मैं बोलूँगी कि नॉन कॉमेडिजोनिक प्रोडक्ट्स आते हैं उन्हें आप परचेज कर सकते हैं। मैं उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं। सो नो मेकअप रूटीन तो आपको फॉलो करना ही, क्योंकि आज की रूटीन में, मतलब आज के समय में मैं देख रही हूँ कि इतने सारे लोग मेकअप बिल्कुल डेली यूज़ करते हैं और अपनी स्किन जो रहती है बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। अगर आप ऐसे ही मेकअप यूज़ करते रहेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हद तक डैमेज हो सकती है। सो आपको मेकअप यूज़ नहीं करना है। देन सेकेंड पॉइंट आता है, रेगुलेट योर गट। आपको अपने गट को हेल्थ रखना है, हेल्दी रखना है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको ऑयली फूड, जंक फूड नहीं खाना है। आप ऐसा ना करिए कि बिल्कुल से ही बंद कर दीजिए, आपसे बिल्कुल से बंद तो होगा भी नहीं वैसे भी। आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लीजिए, जब भी अगर आपको कुछ खाने का मन करे या अगर आपके घर में बन चुका है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में लीजिए, उसे टेस्ट बस करिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरी थाली लगा ली और बिल्कुल बैठ के आप बिल्कुल पेट भर के खाना खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है आपको। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेकर बस सिर्फ टेस्ट के लिए ही आपको उसे खाना है। ऐसा करने के बाद 3 महीने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है, अगर आपको मैजिकल रिज़ल्ट मिलता है, तो प्लीज़ इसी वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे आकर के। सो जो कई लोग की आदत रहती है कि फेस को बार बार टच करना अपने हाथों से, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप अपने फेस को हाथों से ऐसे टच वच कर रहे हो, ये नहीं करना है अपने फेस पर, क्योंकि हाथ में इतने जम्स रहते हैं, इतने डस्ट रहते हैं जो आपके फेस पर लग जाते हैं और उसी से पिंपल। देन ये वाला पॉइंट तो शायद ही किसी को पता हो, बट चाय और कॉफ़ी, अगर जो ज़्यादा पीता है, मतलब चाय और कॉफ़ी की क्वांटिटी ज़्यादा होने से आपकी डेली रूटीन में, कई कई की आदत रहती है कि चाय कॉफ़ी में उन्हें डेली सुबह शाम चाहिए, तो ऐसी आदत ना ही बनाए तो अच्छा है, क्योंकि इससे फॉलो करने से आपको पिंपल्स तो 100% ही आएंगे, क्योंकि चाय कॉफ़ी पीने से आपको सीबम्स होते हैं और सीबम से ही पिंपल होते हैं। सो चाय कॉफ़ी कम क्वांटिटी में पीजिए और उससे अपने पिंपल्स को रोकिए प्लीज़। चाय कॉफ़ी ना ही पीजिए तो बहुत ही बढ़िया है। जिन्हें चाय कॉफ़ी अच्छी लगती है तो वो थोड़ी क्वांटिटी कम कर दें, ये नहीं कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में 2-3 दिन बार चाय पी रहे हैं, आप उसे क्वांटिटी कम करके पीजिए।
एक आपको प्रोसेस मैं बताना चाहूँगी, ये प्रोसेस आप सीबम्स आए या पिंपल्स हो भी गए तब भी आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, एक आइस क्यूब लेना है। आइस क्यूब लेने के बाद आपको कॉटन में डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, कॉटन लेना है और कॉटन में आइस क्यूब को रख देना है और कॉटन को रैप करके अपने फेस पर डैब डैब करके 3 से 4 सेकंड के लिए वहीं स्टे करना एंड देन उसे सर्कुलर मोशन में अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। देन इसी प्रोसेस को आपको डेली में एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपको इसे करना ही है। इससे करने से आपको मैजिकल रिजल्ट मिलने वाला है, आपके जो पिंपल रहेंगे वो बिल्कुल एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि 2-3 दिन में ही आपको ऐसा लगेगा कि आपको पिंपल्स आपके जो थे भी तो वो चले गए। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, कमेंट करेगा और जरिए, और अगर आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा पार्ट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपको कोई भी इसी से चीज़ रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, कीप ग्रोइंग।